हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज क्लासेस चिल्ड्रेन टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द रिमेनिंग क्वेश्चन एंड एंड आंसर्स रेस्ट एक्सरसाइज ऑफ़ द चैप्टर द फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को ने फ्रेंड्स के जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स थे जो एक्सरसाइज थे जो पिछले वीडियो में नहीं थे मैं उन्हें पूरा कर रही हूँ मैं उम्मीद कर रही हूँ बच्चों कि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा तो बच्चों मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे और आपकी पढ़ाई जारी रहे तो आइए बच्चों शुरू करते हैं धने फ्रेंड्स का रिमेनिंग एक्सरसाइज है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं अगर सही है तो ट्रू लिखेंगे गलत है तो फॉल्स लिखेंगे ए द बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबॉव द वेंटिलेटर इन केशव हाउस चिड़ियों ने अंडे दिए थे केशव के घर के वेंटिलेटर के ठीक ऊपर तो आप बताइए आपने तो पूरी कहानी पढ़ी है और फिर मैंने भी आपको समझाया है तो ये सही है या गलत है चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे चिड़िया ने तो अंडे कॉर्निस पर दिए थे तो ये बिल्कुल गलत है इसलिए इसमें हम फॉल्स लिखेंगे सेकेंड श्यामा एंड केशव वेयर फ्रेंड्स क्या श्यामा और केशव दोस्त थे नहीं वो तो भाई बहन थे तो हमारे ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया सी देर वेयर थ्री एग्स इन द नेस्ट घोंसले में तीन अंडे थे भाई ये तो एक सही निकला इसमें हम ट्रू लिखेंगे क्योंकि हमारे अंडे तीन ही थे डी इट वॉज द मंथ ऑफ विंटर ये जारे का मौसम था ये भी गलत है क्योंकि माँ तो उन बच्चों को डांट रही थी कि तुम धूप में क्या कर रहे हो हमारा वो समर का सीजन था

सेकेंड हु आर द टू मैं यहाँ पे जिस दो का जिक्र किया गया है वो कौन है वो दो हैं दो मासूम बच्चे कौन केशव एंड श्यामा थर्ड वॉज द स्पीकर हैप्पी और एनवॉल्व विद द टू एट दूमेंट जो वक्ता है जो बोलने वाला है या जो माँ है वह इस समय खुश है या चिड़चिड़ाई हुई है जाहिर है कि बच्चे धूप में है तो मां खुश तो हो गए नहीं तो मां गुस्से में है मां नाराज है तो इसमें हम लिखेंगे एंडवाइट यू मस्ट है मां ने गुस्से में कहा कि तुमने जरूर उससे कुछ छेड़छाड़ की है फर्स्ट हु कुछ यू हियर यहां पे यू कौन है आंसर हियर You refers to केशव यहाँ यू से तात्पर्य केशव से है सेकेंड वट इज मॉट टॉकिंग अबाउट इन दिस लाइन इस लाइन में माँ किसके बारे में बात कर रही है आंसर होगा मोआ इज टॉकिंग अबाउट द एग्स माँ जो है सो so, अंडो के बारे में बातचीत कर रही है थर्ड डिड सी गेट इट राइट क्या माँ का सोचना सही था आंसर यस सी गॉट इट राइट वो बिल्कुल सही सोच रही थी नाउ फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी अब आपको खरिप्त स्थानों को भरना है जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं उससे द स्टोरी इज अबाउट टू चिल्ड्रन हु डिस्कवर एग्स लेड बाय अ बर्ड ऑन द कॉर्नेस ऑफ देयर हाउस इस ये कहानी दो बच्चों की है जिन्होंने पाया कि उनके घर के छज्जे पर चिड़िया ने अंडे दिए थे द चिल्ड्रेन फील दैट द आर अनसेफ एंड देथिंग टू प्रोटेक्ट दम बच्चों ने महसूस किया कि अंडे जो है सो असुरक्षित हैं और वो उन्हें बचाने के लिए कुछ करें लेटर दे फाउंड ब्रोकन उसके बाद बच्चों ने क्या पाया कि अंडे टूटे हुए हैं The children, in their innocence and lack of knowledge, feel that they are helping the birds by transferring the eggs to a safer place. तो बच्चे जो हैं जानकारी के अभाव में अपनी मासूमियत में या अज्ञानता में कह सकते हैं महसूस किया कि वे चिड़ियों की मदद कर रहे हैं उनके अंडों को एक सुरक्षित प्लेस पर ट्रांसफर करके हटा करके रख करके बट देर गुड intentions वनली लीड्स टू द ब्रेकिंग ऑफ द एज लेकिन ये जो उनकी अच्छी मानसिकता थी अच्छी सोच थी उसने उन अंडों का विनाश कर दिया यानी उन बच्चों की जो मदद करने की सोच थी वही उन अंडों के नाश का कारण बन गई न वर्ड पावर तो बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि दो वर्ड सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है तो आपको भी यहाँ क्या करना है कि देखना है कि किस में कौन सा वर्ड जाएगा सुनने में तो सेम है पर स्पेलिंग गलत है मीन स्पेलिंग अलग है मीनिंग अलग है तो आपको सही वर्ड्स को सही ब्लैंक में भरना है फर्स्ट द डैश क्लास सॉ अ डैश ऑन द रूफ अब देखिए पहले वाले में कौन सा होल होगा और दूसरे वाले में कौन सा होल होगा पहले वाले में होगा डब्ल्यू एच ओ एल ई होल होल यानी संपूर्ण पूरा एच ओ एलई होल माने छेद तो पूरी क्लास ने क्या देखा कि छत में एक छेद था सेकेंड इट्स नॉट राइट टू राइट ऑन द वॉल यह सही नहीं है कि दीवार पर लिखा जाए थर्ड अ पीस ऑफ व्हाइट क्लोथ स्टैंड्स फॉर पीस तो आई P पीस -E -E का मतलब होता है टुकड़ा तो कपड़े का जो सफेद टुकड़ा होता है वह किसका प्रतीक होता है शांति का P -E -A C ए P पीस का मतलब होता है शांति फोर्थ एवरी फादर वॉन्ट इन सन टू सन लाइक अ सन तो हर पिता चाहते हैं कि उनका सन यानी बेटा S O एन कैसा चमके सूर्य की तरह एस यू एन सन सन का मतलब होता है सूर्य फाइव सी द फास्टनेस्ट ऑफ द ब्लू सी सी एस डबल सी माने देखना और एसई एस सी यानी समुद्र तो जो नीला समुद्र है उसकी विशालता को देखो ना रीड दिस थिंग लुक एट दिस लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट फेअर उड द पुअर बर्ड फाइंड इन एफ ग्रेन टू फीड हर ब्रूड हियर ब्रूड इज अ कलेक्टिव नाउंड स्टैंड फॉर द ग्रुप ऑफ यंग वन तो बच्चों कलेक्टिव नाउंड जो होता है वो किसी भी ग्रुप के लिए यूज होता है तो यहाँ ब्रूड जो है उसका अर्थ है बच्चे तो so, केशव और श्यामा कह रहे हैं कि बेचारी चिड़िया कहाँ से पर्याप्त अनाज लाएगी कि वो अपने बच्चों का पेट भर सके So, आपको भी कुछ ऐसे ही वर्ड्स हैं जिनका कि कलेक्टिव नाउन में क्या लिखते हैं हम आपको लिखना है अ डैश ऑफ पपीज अ लिटर ऑफ पपीज जो कुत्तों के बच्चों का झुंड होता है उसे हम लिटर कहते हैं सेकेंड अ प्राइड ऑफ लाइन्स जो शेरों का झुंड होता है उसे हम प्राइड कहते हैं थर्ड स्कॉल ऑफ फिस मछलियों के समूह को हम स्कॉल कहते हैं फोर अ ब्रूड ऑफ चिक्स चिड़िया के बच्चों के समूह को हम ब्रूड कहते हैं फाइव अ पैक ऑफ ओल्ब तो जो भेड़ियों का झुंड होता है उसे हम पैक कहते हैं अब आपको क्या करना है कि यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं उन्हें आपको वर्ड्स में यूज करना है तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूं कि आपने कहानी पढ़ी है इसे समझा है तो आप इसे अपने वर्ड्स में भी आसानी से यूज कर पाएंगे स्कैटर यानी बिखेरना तो मैंने बनाया है डो नॉट स्कैटर ग्रेन्स ऑन द फ्लोर फर्श पर दाने नहीं बिखेरो बी फीड यानी खिलाना फीड द पुअर गरीबों को खाना खिलाओ सी कम्फर्ट यानी आराम पैड्स डू एवरी थिंग फॉर कम्फर्ट ऑफ चाइल्ड जो माता पिता होते हैं वो बच्चे की आराम के लिए हर संभव प्रयास करते हैं डी एक्यूज टू एक्यूज फॉल्सली इज अ रॉन्ग थिंग टू डू किसी को बेवजह दोष देना गलत बात है ई अप्रोच प्लीज अप्रोच द पुलिस फॉर हेल्प पहुंच आवश्यकता के समय पुलिस तक पहुँचिए तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने चैप्टर को समझा होगा सभी प्रश्नोत्तर को समझा होगा तो बच्चों अब आप तैयार हो जाइए अपनी कॉपी निकालिए और जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें अपनी कॉपी में चैप्टर का नाम लिख करके लिख डालिए और याद कर डालिए तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा सो Thank you once again for watching my video and don't forget to click the bell icon.